सेहत आमा के बुलंदोबांग हुकूमती दावों की कलई खुल गई। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल वार्ड के एसी खराब, मरीज खाक। मेडिकल वार्ड के चारों यूनिट के एसी खराब। गर्मी, हफ्स और बीमारी ने किया मरीजों का बुरा हाल। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल वार्ड्स के एसी खराब। गर्मी के सताए मरीजों की अस्पताल इंतजामिया से एसी ठीक कराने की अपील। बीमारों का बहुत बुरा हौसला है कि हम लोग यहाँ पे लेटे हुए, हमारे से लेटा भी नहीं जा रहा गर्मी की वजह से। ठीक कर दें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से बहुत बुरा हाल है। वॉशरूम वो इतने गंदे हैं, एसी के बगैर कोई हाल नहीं। सर्विसेज अस्पताल का स्टोर रूम इंतजामी गफलत के सबब गंदा नाला बन गया। ताफुन और गंदगी से खड़ा होना मुहाल। स्टोर रूम में व्हीलचेयर्स और बेडशीट्स रखी जाती हैं। एमएस अस्पताल ने पानी जमा होने की वजह अस्पताल के बाहर मौजूद कैंटीन्स को करार दे दिया। आज नैब लाहौर में बड़ी पेशियां। यूथ फेस्टिवल में माली बेजाबगिया। पूछगछ के लिए लीग रहनुमा राना मशहूद की तलबी। हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटा भी तलब। मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो? अमल नहीं करना तो झूठी बातें क्यों करते हो? जलसे की इजाजत ना देने पर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, कल कहते थे आओ कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली तो अब डरते क्यों हो? मरियम नवाज ने अवामी जलसे के निकाब पर हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। कहना के इलाके में वन विलिंग दो अफराद की जान ले गई। एलजी रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार पोल से टकरा गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। असातिज़ा के लिए खुशखबरी। महकमे तालीम का तबादलों पर आज से पाबंदी हटाने का फैसला। ई ट्रांसफर के तहत खातीन टीचर्स भी तबादले करवा सकेंगी। शादी शुदा खातीन को इससे कबल दूसरे शहरों में तबादलों की इजाजत न थी। एमएओ कॉलेज के लेक्चरर के सर्विसेज सरेंडर। लेक्चरर सलीम गिल को फौरी तौर पर महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। सलीम गिल पर लाहौर कॉलेज में तालिबात को प्रैक्टिकल में मुबैना तौर पर हिरासा करने का इल्जाम है। मस्नूई महंगाई का सबब बनने वाले जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिलाई हुकूमत का ऑपरेशन। बेदिया रोड, बरकी, अंगूरी बाग स्कीम के इलाकों में गोदामों पर छापा। 4500 चीनी के थैले, 500 ऑयल के टीन जब्त। एसी सिटी का मुल्तान रोड सब्जी मंडी का भी दौरा। 14 मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस जवाब तलब कर लिया। इस एक साल हुकूमती कारकर्दगी में ये हुकूमत एक्सपोज हो गई है। मायूस कुल कारकर्दगी की वजह से आवाम भी मायूस हो गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिस तेजी के साथ ये हुकूमत गैर मकबूल हुई है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं है। गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, खुराक की चीज़ों में भी इजाफा हुआ है। सीमेंट पे पूरी 25 रुपया इजाफा हुआ। चीनी फी किलो 3.65 रुपया फी किलो इजाफा हुआ। IMF का हाथ है और पाकिस्तान के गरीब आवाम का गरेबान है। हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन। गैस, बिजली, चीनी, सीमेंट, गोश्त और दूध सब महंगा हो गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं, अवाम किससे बात करें, किससे मुंसिफी चाहें। जमात इस्लामी मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। सिविल जज की जानिब से वकील को कुर्सी मारने का वाकया। पंजाब बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। आए रोज अदालती बायकॉट की कॉल पंजाब बार काउंसिल का मामूल बन गया। हजारों मुकदमा इल्तवा का शिकार, साइलीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन दरहम बरहम। 17 रोज गुजर जाने के बावजूद ट्रेनों की आमद और रवानगी मामूल पर ना सकी। 12 से ज्यादा ट्रेन 5 घंटे ताखिर का शिकार।
दूसरे जानब अलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुतासर, आने और जाने वाली 21 परवाजें मनसूख कर दी गईं। लाहौर से मियांवाली चलाए जाने वाली नई ट्रेन का इफ्तिताह से कबल ही नाम तब्दील, सियासी हलकों में नाम के हवाले से तनकीद पर ट्रेन का नाम तब्दील किया गया। रेलवे हुकाम ने ट्रेन का नाम नियाजी एक्सप्रेस की बजाय मियांवाली एक्सप्रेस रख दिया। नई ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम 19 जुलाई को मियांवाली से करेंगे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए ठोकर न्याज बेग चौक की रिमॉडलिंग के काम का आगाज, DGLDA उस्मान मौजम का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, चौक की तज़ीन और आराइश और स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम करने की हिदायत जारी। महकमा एंटी करप्शन टेक्निकल टीम का दौरा हडियारा, बरकी तक सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल के इल्जाम, तहकीकात के लिए सैंपल ले लिए गए। न्यू शाह जमाल कॉलोनी के LDA क्वार्टर्स में गंदगी के ढेर, इलाके में ताफुन फैल गया, मकीनों की इंतजामी गफलत के जिम्मेदारों की मजम्मत, सफाई कंपनी से कचरा उठाने और सफाई इंतजामात मौसर बनाने का मुतालबा। एडमिनिस्ट्रेटर को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ब्रीफिंग ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 1,97,000 स्क्वायर फीट सड़कों का पैच वर्क का दावा बारिशों से पहले ही बह गया। अहम और बड़ी सड़कें दावों के बरक्स खंडर बन गई। सरकारी स्कूल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 जुलाई तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। CEO की जिले निगरानी, 16 जुलाई से तामीराती कामों का मुआयना शुरू किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीमों के गुलशन रावी में छापे, 4 फैक्ट्रियों में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। माहिदे की खिलाफ वर्जी करने पर कनेक्शन मुनकता कर दिया गया। जिला इंतजामिया शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मुतहरिक, AC कैंट उमर हयात गोंदल की गाजी रोड और वेदियां रोड पर कार्रवाई, 4 दुकानें सील, मशीनरी कब्जे में ले ली गई। अमीन पार्क बंद रोड के रिहायशियों का एहतजाज रंग ले आया। 8 रोज कबल अगवा होने वाली जहनी माजूर बच्ची बाजियाब, पुलिस ने बच्ची को हाफिजाबाद से बाजियाब करवाकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद कहते हैं भत्ते की पर्ची देने के लिए आने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल की मदद से 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मानसून से कबल ड्रेनों की सफाई का काम जारी, कैंट ड्रेन समनाबाद पर 3 एक्सक्वेटर्स और 20 ट्रकों की मदद से सफाई का काम जारी। DGLDA का MD वासा के हमरा दौरा, सफाई मुहिम का मुआयना किया। बारिशों और तेज आंधी से मुतासर होने वाले पावर सिस्टम को बहाल रखने के लिए लेस्को का प्लान, 100 से ज्यादा खसूसी टीमें तश्कील, टीमें 24 घंटों में 3 शिफ्टों के दौरान ड्यूटी सर अंजाम दें। कमिश्नर लाहौर बिलाल अहमद लोधी का जिना अस्पताल का दौरा, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सालिहा सईद, CTO लियाकत मलिक भी उनके हमरा थे। अस्पताल में पार्किंग के मसाइल और दाखिल खारजी रास्तों पर ट्रैफिक के बहाव का जायजा, हुकाम को अस्पताल के तरफ ट्रैफिक जाम रोकने, ट्रैफिक बहाव बेहतर बनाने के लिए इकदाम की हिदायत जारी की। मोटापे का शिकार नूरुल हसन का शालामार अस्पताल में इलाज जारी, डॉक्टर मुआज कहते हैं मरीज मुकम्मल तौर पर लिक्विड डाइट पर है, जल्द ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बादामी बाग के इलाके में सर्वर फाउंडेशन के जर एहतमाम हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप, बेगम गवर्नर परवीन सर्वर का कैंप का दौरा, इंतजामात और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। अंग्रेजी जुबान से निजात जरूरी है, अंग्रेजी ही की वजह से मुल्क में 27 एजुकेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, कानून पर अमल दरामद करवाने वालों को कानून उर्दू में मुंतकिल करने होंगे। अदबी बैठक के मौके पर शुरका की गुफ्तगू। हलाल फूड्स के बरामदात का फरोग हुकूमती तरजीह है, मशकूक अजजाए तरकीबी पर नजर रखने के लिए फूड अथॉरिटी के एहलकारों की ट्रेनिंग करेंगे। वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की सिन्हा हलाल फूड एसोसिएट के वक्त से गुफ्तगु।
खेल कूद के मैदान से हरियाली गायब, सहूलियात का फुकदान, तारीखी बाबा हाली ग्राउंड बदहाली की तस्वीर बन गया। हुकूमती अदम तवज्जो के सबब वकला ने खेल कूद के ग्राउंड को पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया। रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुल्क होकर के लीगी कारकुनान से मीटिंग। लीगी रुकन अपोजिशन में होने के बावजूद अवामी मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म, बोले सियासत का मकसद ही अवाम की खिदमत है। स्पेशल ओलंपिक में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वालों के एजाज में तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया से ताल्लुक रखने वाले 6 खसूसी अफराद को मेडल हासिल करने पर एजाजात से नवाजा। जामिया मस्जिद अल मुस्तफा जोहर टाउन में अजमत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की खसूसी शिरकत। मौलाना आसिम मखदूम कहते हैं हरमैन शरीफैन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। असगर आरिफ चिश्ती समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख भी शरीक।